हरे कृष्णा गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम की जब टिप्पणी लिखते हैं तो उसके शुरुआत में बहुत ही सुंदर और थोड़ा लंबा भूमिका भी लिखते हैं, जिसमें बहुत सुंदर उन्होंने इंट्रोडक्शन प्रस्तुत किया है श्रीमद् भागवतम का। तो अभी आज हम भूमिका के ऊपर जो है पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये जैसे सूर्य होता है, सूर्य के समान प्रकाशवान है। जैसे सूर्य के आते ही अंधकार दूर हो जाता है, कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो और मान लीजिए अंधकार छाया हुआ है एक फील्ड में, और आप उनको बोले कि ठीक है आप थोड़ा अंधकार पकड़ के रखिए सूर्य उदय होने तक, उदय होने के बाद भी इस जगह पे, इस फील्ड में, इस पार्ट में अंधकार होना चाहिए, तो नहीं रख सकते, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य आते ही अंधकार दूर हो जाएगा। तो सूर्य प्रकाशवान है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है वो तुरंत ही हर एक व्यक्ति के हृदय से जो मैल है या दुख है या हताशा है, निराशा है या माया है, वो तुरंत नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें हर दिन श्रीमद् भागवतम के शरण में रहना चाहिए। इसका जो उदय हुआ है धर्म ज्ञान, ये हमें जो धर्म ज्ञान और भगवान कृष्ण के धाम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल घर है, उसके बारे में हमें मार्गदर्शन देंगे। और जिन व्यक्तियों ने कलियुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, तो इस पुराण से उनको प्रकाश प्राप्त होगा। दृष्टि खोने का मतलब है कि वो भगवान से हट गए हैं, या भगवान के ऊपर जो उनका आस्था है वो नहीं रहा और भौतिक जगत के ऊपर आस्था स्थापित हो गया है, तो उन सभी व्यक्तियों को प्रकाश प्राप्त होगा। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं अच्छा 5000 साल पहले ही तो लिखा गया। तो लिखा गया 5000 साल पहले इसलिए क्योंकि जो कलियुग के लोग हैं, व्यासदेव ने देखा कि कलियुग, क्योंकि जो व्यासदेव जैसे महान आचार्य है और व्यासदेव तो स्वयं कृष्ण के अवतार है, तो वो देख पाते हैं अतीत वर्तमान भविष्य, ऐसे इनको बोलते हैं त्रिकालज्ञ पुरुष। खैर भगवान को तो हर एक चीज मालूम है, लेकिन उनके जो शुद्ध भक्त है उनके पास भी ये शक्ति होती है कि वो वर्तमान भी देख सकते हैं, अतीत भी देख सकते हैं और भविष्य भी। तो व्यासदेव ने भविष्य देखा और देखा कि कलियुग के लोग इतना, उनका मेमोरी पावर इतना वीक है कि उनको इतना हजार हजार श्लोक का ऐसे याद रखना मुश्किल है जो पुराने जमाने में लोग रखते थे। जैसे हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, तो सुध गोस्वामी और बहुत सारे जो वहाँ पे मौजूद थे ऋषि, उनको बस श्रवण करके ही सारा श्लोक याद हो गया, उसका मीनिंग सब याद हो गया। तो ऐसा हम एक श्लोक के लिए भी नहीं कर पाएंगे एक बार सुनकर, राइट। तो इसीलिए हमारे लिए 5000 साल पहले लिखा गया, नहीं तो पहले जो है श्रुति से चलता आ रहा था, मतलब श्रवण करके, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है या वेद उपनिषद पुराण का जो ज्ञान है, ये हम जब प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करते हैं तभी वो हृदयंगम होता है, भले ही लिखित रूप में है लेकिन फिर भी हमें उसका श्रवण करना पड़ेगा। तो पहले मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, लेकिन बाद में हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण ने व्यासदेव का अवतार लेकर इसका साहित्यिक रूप दिया, और इसी में भगवान कृष्ण स्वयं है श्रीमद् भागवतम। तो हम इसलिए इस ग्रंथ का हमें स्वागत करना चाहिए अपने जीवन में, और इस ग्रंथ में हम देखेंगे कि एक ही प्रकार का, जैसे एक साथ दो प्रकार के संवाद का श्रवण होता है। एक तो गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो प्रश्न और उत्तर हो रहा है, और दूसरा नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के मध्य संवाद हुआ है। अभी ये हमारा जो भौतिक भूगोल है उसके अनुसार अगर हम देखें तो दिल्ली से थोड़ा दूर जैसे मेरठ है, तो उसके पास है शुक्रताल। तो शुक्रताल में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवत कहकर सुनाया था। और बाद में जो अगर आप लखनऊ की ओर जाएंगे तो वहां से थोड़ा दूर पर एक जगह है नैमिषारण्य, तो बाद में फिर से रिपीट हुआ, सुध गोस्वामी को फिर शौनक आदि ऋषियों ने श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए बहुत अनुरोध किया,
प्रश्न किया, जिज्ञासा किया, तो फिर से सुनाया गया। तो इन दोनों ही प्रकार का जो संवाद है इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। अब ये प्रश्न आ सकता है कि व्यासदेव जी ने जब लिखा था श्रीमद् भागवतम तो उन्होंने दोनों ही प्रकार का संवाद कैसे इंक्लूड किया, क्योंकि तब तो नैमिषारण्य में नहीं हुआ था, राइट? तो उन्होंने कैसे इंक्लूड किया। और फिर अगर श्री व्यासदेव ने तो पहले ही श्रीमद् भागवतम जो है रचना किया है, और उसके बाद जो है उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उन्हीं से श्रवण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो है वो असल में श्रीमती राधा रानी का तोता है, और श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण के साथ लीला संपन्न करके गोलक धाम वापस जा रहे थे तो उन्होंने अपने तोता शुक को कहा कि आप यही रह जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, यहाँ पे तो आपके बिना मेरा रहना मृत्यु से भी बहुत बुरा रहेगा। तो बोलते कि आपको मेरा जो है संग मिलता रहेगा, क्योंकि भगवान शंकर यानी शिव जी हर हर समय पार्वती जी को श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं। वो लोग बहुत आदर्श गृहस्थ है शिव पार्वती, तो वो लोग हमेशा शिव जी जो है हमेशा पार्वती को भागवतम कथा सुनाते हैं। तो आप कैलाश में जाओ और वहाँ पे आप हमारे बारे में श्रवण करते रहोगे। तो फिर वो ऐसा ही करते हैं, और जब कैलाश में एक पेड़ पर बैठकर जब वो सुनते रहते हैं, उस पेड़ के नीचे जब शिव जी पार्वती जी से कथा सुनाते रहते हैं, तो उस समय पार्वती जी बीच में सो जाते हैं। तो फिर भी जो शुक है सो तोता है, उसको लगता है कि अगर सो जाएंगे तो मेरा श्रवण रुक जाएगा, मैं सुन नहीं पाऊंगा और शिव जी रोक देंगे। तो इसलिए वो पार्वती जी की आवाज़ में न, 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 ऐसे मतलब बोलते रहते हैं ताकि शिव जी को लगे कि हाँ वो सुन रही है। तो बाद में पार्वती जब उठे पार्वती जी और बोलती है कि सॉरी, मतलब क्षमा मांगती हूँ सॉरी, तो कि मैं बीच में सो गई थी भागवत कथा के। तो भगवान शंकर कहते हैं कि अगर तुम सो गई थी तो ये कौन है जो करके कर रहे थे? तो उनको तुरंत पता चलता है कि ये जो चिड़िया है ये है तोता। तो शिव जी बहुत क्रोधित हुए और वो त्रिशूल लेके उस तोते के पीछे चले गए। तो उसी समय जो है व्यासदेव अपनी पत्नी को भी कथा सुना रहे थे श्रीमद् भागवतम का, और पत्नी बीच बीच में जो यॉनिंग कर रही थी और आश्चर्यचकित होकर जैसे मुंह खुला हुआ था उनका, तो तोता उनके मुंह से अंदर खुल जाते हैं और गर्भ में स्थित हो जाते हैं। और वही तोता 14 साल तक गर्भ से नहीं निकलते हैं। तो और जब भी जैसे कभी व्यासदेव कथा करते हैं और कुछ, तो अंदर से वो भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो व्यासदेव कहते हैं कि बेटा बाहर क्यों नहीं आते, आपके माँ के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है कि आप इतने साल तक उनके गर्भ में रहो, और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पेड़ से, मतलब गर्भ से ही कहते हैं कि जब तक भगवान कृष्ण आकर मुझे ये आश्वासन नहीं देते हैं कि मुझे माया नहीं छुएगी, तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो असल में जो है कोई भी बच्चा जब पेट में होता है, खासकर अगर वो बहुत भाग्यवान बच्चा हो, तो उसको 100 साल अपना जो 100 जन्म है वो याद आता है, और फिर वो ऐसे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये जो अंधेरा, ये जो इतना टाइट बंद है एक बच्चा माँ के पेट में, सबको लगता है कि माँ को बहुत कष्ट होता है, सिर्फ माँ को कष्ट नहीं होता है, बच्चा को ज़्यादा कष्ट होता है ऐसे रहने में उल्टा, और ऐसे और माँ कुछ खाए पिए तो उसको उसका दुख दर्द अनुभव होता है, कीड़ा काटता है, बार बार मूर्छित होता है। तो वो बोलता है कि हे भगवान मुझे यहाँ से निकालो, अब मैं आप ही की आराधना करूंगा। लेकिन जैसे ही निकलता है तुरंत माया पकड़ लेती है, तो वो भूल जाता है सब कुछ, विस्मृति हो जाती है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी नहीं चाहते थे कि ऐसा विस्मृति हो, तो इसलिए उन्होंने बोला ये बात। तो फिर भगवान कृष्ण आए द्वारका से और कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया कि आपको माया नहीं छुएगी, तब जाके सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से निकलते हैं, और निकलते ही वो 14 साल के बालक होते हैं, कि 14 साल ऑलरेडी वो गर्भ में थे। तो फिर वो तुरंत ही वन को निकल जाते हैं, और जब वन को निकल जाते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वो तपस्या करने लगते हैं, वो ब्रह्मवादी होते हैं, तो निराकार भगवान के निराकार रूप में वो तपस्या करने लगते हैं। तो व्यासदेव ने अपने शिष्य को 2 श्लोक सिखा दिया और उनके पुत्र के पास जाकर बोलने के लिए बोला ताकि वो वापस घर आए। तो जब सुखदेव गोस्वामी को देखा तो व्यासदेव के जो शिष्य है उन्होंने जो पहला श्लोक गाया तो वो ऐसा है, बढ़ा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम
बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रणवेणुरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रावृषद्गीत कीर्ति ही। इसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, किस प्रकार वो नटवर वपु है, नृत्य करते हुए वो चलते हैं, खेलते खेलते बांसुरी बजाते हैं, कान में फूल लगाते हैं, कैसे वृंदावन में गोप बालक के साथ गैया चढ़ाते हैं, कैसा वैजयंती माला पहनते हैं, तो इस सब का वर्णन है। तो इतना सुंदर व्यक्ति का वर्णन सुनकर शुकदेव गोस्वामी का ध्यान टूट जाता है और वो ऐसे समाधि से उनका आधा आँख खुलता है, लेकिन जैसे श्लोक खत्म हो जाता है फिर उनका आंखें फिर बंद होकर वो समाधि में चले जाते हैं। फिर उनके शिष्य दूसरा श्लोक गाते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापयत तपीय साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितं ततुन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम कं वा दयालु शरणं व्रजेम। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की दयालुता का वर्णन है कि जो पुतना आपको स्तन में विष लगाकर दूध पिलाने आई और विष खिलाने आई, उस पुतना को भी आपने माँ का दर्जा दिया, जैसे यशोदा मैया को दिया आपने, उसको गोलक धाम में स्थान दिया ऐसे राक्षसी को, और कौन है इतना दयालु जिसके शरण में मैं जाऊं। और जब ये सुना शुकदेव गोस्वामी का ध्यान पूरी तरह भंग हो गया और उन्होंने पूछा, ये आपको किसने बताया ये श्लोकास? बोला कि हमारे गुरु ने। तो बोलते मेरे को, मुझे अपने गुरु के पास ले चलो। जब गुरु के पास जाते तो उनके पिता ही थे, प्यास थे, तो बाद में वो अपने पिता से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं और बाद में फिर वो श्रीमद् भागवतम का जो है कथा का ज्ञान परीक्षित महाराज को देते हैं कृष्ण के अरेंजमेंट से। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम में जो दो प्रकार का संवाद है, ये जो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला और नैमिषारण्य के ऋषियों के सामने शुद्ध गोस्वामी ने बोला, वो इसलिए व्यासदेव जी लिख पाए क्योंकि व्यासदेव स्वयं कृष्ण के अवतार है और वो भविष्य भी देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने श्रीमद् भागवतम में दोनों ही संवाद को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। तो ये जो है ये श्रीमद् भागवतम, ये बहुत सुंदर जो है रचना है, भगवान ने हमें प्रदान किया है और किसी कोई भी कैसे भी व्यक्ति हो इसको ग्रहण करके वो अपना उद्धार कर सकता है। तो ईश्वर की धारणा तथा परम सत्य की धारणा जो है एक सी नहीं है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के लक्ष्य पर प्रहार करता है। ईश्वर की धारणा बहुत है, जैसे कि जैसे यहाँ पे भी कोई अगर बहुत अच्छा कुछ करते तो उनको लॉर्ड, ये लॉर्ड वो लॉर्ड मैकॉली, तो ऐसे नाम देते हैं ना। तो ऐसे ही जैसे कोई स्वर्गलोक का राजा है इंद्र, तो उनको भी ईश्वर कहा जाता है, या अब एक एक लोक का राजा है कोई देवता तो उनको भी ईश्वर कहा जाता है। तो इन सबको ईश्वर कहा जा सकता है, ब्रह्मलोक का या पूरे ब्रह्मांड का जो राजा है तो उनको भी ईश्वर कहा जा सकता है। तो ये जो ईश्वर वाला कंसेप्ट है ये एक्चुअली बहुत लोगों के लिए कहा जा सकता है। तो लेकिन परमेश्वर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। इन सभी ईश्वर का अगर कोई ईश्वर है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए ईश्वर जो है वो बहुत लोगों को बोला जा सकता है, बट जो परमेश्वर है वो एक ही है और वो स्वयं कृष्ण है। तो इसलिए यहाँ पे जो है परम ईश्वर के बारे में बताया गया है। बाकी पुराणों में जो देवी देवताओं को भी जैसे ईश्वर ईश्वर वर्ड यूज किया जा सकता है, कोई एक लोक का राजा है तो ऐसा, लेकिन परमेश्वर एक ही है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इसलिए परमेश्वर एक ही है और यहाँ पे परम सत्य के ऊपर बताया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम जो है
ईश्वर के प्रति जो हमारी धारणा है परमेश्वर के प्रति उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है देवी देवी देवताओं को भी ईश्वर समझते हैं, मतलब परमेश्वर समझते हैं, लेकिन इसमें हम भागवत पुराण जो है वो समस्त वैदिक उसका जो है सारांश है, और उसमें से जो भक्ति योग के लिए है वो हमें प्रदान किया गया है खासकर, जिससे हम तुरंत ही प्रगति कर सके। तो इसलिए हमें इस भागवतम का शरण ग्रहण करना चाहिए, और कलयुग के लोगों के लिए इतना समय भी नहीं है कोई इतना कुछ पढ़ के इतना कुछ सुन के वो कुछ निश्चित उस पर आए। तो इसलिए कलयुग के लिए स्पेशली श्रीमद् भागवतम है और श्रीमद् भागवत गीता है। तो अतः जब भी जैसे हर एक व्यक्ति हम देखते हैं भौतिक जगत में एक दूसरे पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हमें समझ में आएगा श्रीमद् भागवतम से जो परम नियंत्रक कौन है। जैसे अगर हम उस परम नियंत्रक के अनुसार चलते हैं तो हम एक्चुअली एक बहुत ही सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अभी क्या है, हम दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हम अपने ही अंदर पहले कंट्रोल लाते हैं कि अपने जो वेग है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, तो ऐसे क्रोध का वेग, मन का वेग, वचन का वेग, जीभा का वेग, पेट का जो वेग है, जननेन्द्रिय का वेग है, इन सब पर हम वश कर सकते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियामक जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है विभूति मत सत्व या शक्ति संपन्न नियामक कहलाता है। ऐसे अनेक विभूति मत सत्व है या शक्ति संपन्न देवता है, लेकिन उनसे भी जो है श्रेष्ठ कृष्ण है, और यही हम श्रीमद् भागवतम से पता चलेगा। जो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण से ही समस्त अवतार आते हैं, वो लोग सोचते हैं भगवान विष्णु के अवतार है और विष्णु का अवतार कृष्ण है, तो ये सब बातें भी हमें क्लियर होगा। तो श्रीमद् भागवत के लेखक श्री व्यासदेव जी सर्वप्रथम परम सत्यम को सादर नमस्कार करते हैं। हम जो वेरी फर्स्ट श्लोक है उसमें परम सत्यम धीमहि, तो ये जो श्लोक है पहला है वो प्रणाम करते हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि परम सत्य जो है वो एक पुरुष है, कृष्ण है। देवगण जो है वो भी निस्संदेह व्यक्ति है, या हम लोग जैसे आत्मा है हमारा भी व्यक्तित्व समाप्त नहीं होगा, हमारा भी व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन जो परम सत्यम है जिनसे समस्त देवगण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं, या हमारे पास में जो बुद्धि है, जो भी प्रकार के सामर्थ्य है, शक्ति है, वो भी हम कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं। संस्कृत शब्द ईश्वर नियामक का सूचक है, लेकिन परम पुरुष ही परमेश्वर है। तो वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परम देव या इंद्र, चंद्र या वरुण जैसे देवों का अध्यक्ष कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा जो है प्रथम जीव है, तो वो एक्चुअली सबका राजा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि देवी देवताओं को जब भी कोई असुर तंग करते हैं या कुछ परेशानी आती है तो ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति और ज्ञान के मामले में स्वतंत्र नहीं है, कृष्ण के अधीन है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी ये बात स्पष्ट किया है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष से वेदों के रूप में मिलती है। सबसे पहले जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, फर्स्ट कैंटो का जो फर्स्ट श्लोक है, उसमें तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति असुरयः, तो ब्रह्मा जी के हृदय में भी सबसे पहले जो वैदिक ज्ञान प्रदान किया है वो भी स्वयं कृष्ण है। तो वेदों का ज्ञान के हृदय में प्रदान किया है। वे परम पुरुष प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। तो कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा या मेरा बहुत जन्म हो चुका है, मुझे सब कुछ याद है सबके बारे में, और मेरे बारे में भी पर तुमको याद नहीं रह सकता है। तो ये अंतर है भगवान और जीवात्माओं में। कोई व्यक्ति अगर किसी को बोले कि हम भी भगवान बन सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है, तो हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। कोई जीवात्मा परमात्मा नहीं बन सकता है, परमात्मा परमात्मा है, जीवात्मा जीवात्मा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो ऐसे सूक्ष्म व्यक्तित्व है, आत्मा जैसे भगवान के भिन्नांश है, और जो परम पुरुष के अंश स्वरूप है, भले ही सारी वस्तुओं के शरीरों या बाह्य स्वरूप के बारे में प्रत्येक बात को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जान ले, किंतु परम पुरुष अपने बाहरी तथा भीतरी दोनों स्वरूपों के बारे में हर बात को जानते हैं।
को जीवात्माओं का जो जानने की कैपेसिटी है वो सीमित है और भगवान की सीमित नहीं है। तो ये भी इसमें स्पष्टतया हमें पता चलता है श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम का जो सबसे पहला श्लोक है और उसमें जो जन्माद्देश्य शब्द है उसमें यह सुझाता है कि समस्त उत्पत्ति पालन या संहार का स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ तक कि अपने वर्तमान अनुभव से हम जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। जैसे आपने खरीदा हुआ है टेबल चेयर, दो टेबल या दो चेयर को एक साथ रख दीजिए, क्या इस तीसरा टेबल या तीसरा चेयर जन्म होता है? नहीं, जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जड़ पदार्थ जो है वो जीव से उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जीव के संसर्ग से ही जड़ शरीर एक चलयंत्र के रूप में विकसित होता है। कई लोग बोलते हैं कि जैसे है माता के गर्भ में 3 महीने में बच्चों को मार दिया, तो वो लोग बोलते हैं कि उसमें, कई लोग ऐसे जो नहीं जानते शास्त्र को, बोलते हैं कि उसमें आत्मा नहीं आती है। लेकिन आत्मा के बिना वो जो इतना छोटा था, एक एक दिन का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि कैसे छोटा बच्चा जो है वो माता और पिता से जो बनता है वो कैसे कैसे विकसित होता है, पहले बेर जितना फिर इतना बड़ा इतना ऐसे। तो एक उसमें जब आत्मा नहीं है तो इसे विकसित नहीं हो सकता है, तो उसमें आत्मा है। इसीलिए भ्रूण हत्या ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप माना गया है। तो इसलिए जो है अल्पज्ञानी इस शारीरिक मशीन को ही जीव मान लेते हैं, लेकिन तथ्य तो यह है कि ये जीव ही शारीरिक मशीन का आधार है। एक पुरुष या स्त्री दोनों में आत्मा है तभी वो दूसरा बच्चा, एक बच्चा को जन्म दे सकते हैं। अगर दोनों डेड बॉडी है तो वो बच्चा को जन्म नहीं दे सकते हैं, राइट? लेकिन अज्ञानता के कारण व्यक्ति, ये जो हमारा मशीन है, शरीर एक्चुअली मशीन भगवान ने बनाया, तो ये बहुत ही उन्नत प्रकार के हैं, तो इसी को जीवात्मा मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाती है ये शारीरिक मशीन जो है व्यर्थ हो जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझते हैं। इस प्रकार समस्त भौतिक शक्ति का मूल स्रोत परम पुरुष है। यह तथ्य सारे वैदिक वाङ्मय में व्यक्त हुआ है और अध्यात्म विज्ञान के समस्त भाष्यकारों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। तो ये जीवनी शक्ति जो है यह ब्रह्मा कहलाती है, और परम ब्रह्म कौन है? कृष्णा। तो ब्रह्मा आत्मा, परम ब्रह्म कृष्णा। तो महान आचार्य श्रीपाद शंकराचार्य ने उपदेश किया है कि ब्रह्म तत्व कारण है, जबकि विराट जगत एक श्रेणी वर्ग है। जीवनी शक्ति ही सारी शक्तियों का मूल स्रोत है और भगवान को ही जो है परम पुरुष स्वीकारा जा सकता है। जो आदि शंकराचार्य उस भगवान शिव के ही अवतार है। भगवान ने स्वयं ही भगवान शिव को कहा कि ऐसे जाके आप जो है वेद उपनिषद पुराण को पुनः स्थापित करें, जो बुद्ध अवतार में भगवान ने उसको रिजेक्ट किया था क्योंकि लोग शास्त्र के नाम पर पाप कर रहे थे। तो फिर स्थापित किया गया, और भले ही वो मायावाद का प्रचार किया है कृष्ण की आज्ञा से, लेकिन उन्होंने अंत में बताया कि भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते, अर्थात गोविंद के ही भजन करना चाहिए। अतएव जो भूत वर्तमान तथा भविष्य की हर बात को तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक सब कुछ जानने वाले हैं वो स्वयं कृष्ण ही है। तो इसलिए जैसे हमारे माता पिता भी हमारे जरूरतों के हिसाब से हमें चीजें प्रदान करते हैं बचपन में, लेकिन वो अंतर्यामी नहीं है, तो कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है समझने में कि बच्चा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है और वो हर एक जीवात्मा के मन में क्या है जानते हैं। तो इसके हिसाब से वो हर एक जीवात्मा जो भी उनके शरण में आते हैं उनको बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि उन तक पहुंच सके। तो इसलिए एक शुद्ध भक्त कृष्ण से कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं मांगते, क्योंकि उनको मालूम है जो कृष्ण को हमारे लिए जो भी ठीक लगेगा कृष्ण ऑटोमेटिकली देंगे। हमें बस जो कार्य करना है, आत्मा का कार्य है कृष्ण की सेवा, उसमें लगे रहना है। तो लेकिन जो जो जीवात्माएं हैं वो अपने दूसरों के शरीर के बारे में तो क्या जानेंगे, दूसरे जीवात्माओं के बारे में, अपने बारे में भी नहीं जानता। जैसे वो भोजन तो करता है किंतु ये नहीं जानता कि भोजन किस तरह हजम होता है, शक्ति में बदलता है, शरीर का किस तरह पोषण करता है, वो सब कृष्ण देखभाल करते हैं। लेकिन जब जीव पूर्ण हो जाता है अपूर्ण अवस्था में, तो वो घटने वाली प्रत्येक बात को जानता रहता है कृष्ण की कृपा से। फलस्वरूप पूर्ण पुरुष को श्रीमद् भागवत में
वासुदेव नाम से अभिहित किया गया है, जिसका अर्थ है कि जो अपनी पूर्ण चेतना में तथा अपनी पूर्ण शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र रहता है। तो इन सब की विवेचना, आत्मा परमात्मा और कैसे शक्ति की विवेचना या भगवान के विराट रूप के बारे में जैसे थर्ड कैंटो में 6th चैप्टर में वर्णना किया गया है, तो ये सब की बातें जो है श्रीमद् भागवतम में हमें मिलेगी। यहाँ तक कि कितने ग्रह नक्षत्र हैं और क्या स्थिति है उनका, ये सब भी बातें पता चलती है। तो आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस दिया है, और श्रीमद् भागवत का चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले स्वयं कृष्णा भक्त रूप से आए, उन्होंने प्रचार किया है। श्री चैतन्य की अहैतु की कृपा से श्रीमद् भागवत की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है, क्योंकि भगवान ने भक्त के रूप में आके हम पर कृपा किया है। अतएव यहाँ पर उनके जीवन तथा उपदेशों से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे भूमिका में श्रील प्रभुपाद की। तो यह अनिवार्य है कि किसी भागवत व्यक्ति से ही श्रीमद् भागवत सीखी जाए। तो दो प्रकार के भागवत होता है, एक तो ये जो है पुस्तक भागवत, साहित्य के रूप में जो श्रीमद् भागवतम है 18,000 श्लोक वाली वो, और दूसरा है व्यक्ति भागवत, यानी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को हृदयंगम किया है, जिन्होंने भागवतम के अनुसार जीवन जी रहे हैं वो। तो किसी व्यक्ति भागवत से ही हम भागवत सीख सकते हैं। भागवत व्यक्ति वो है जिसका जीवन ही व्यवहारत यानी प्रैक्टिकली श्रीमद् भागवतम है। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर है, अतः वे साक्षात तथा ध्वनि यानी वाणी से भगवान तथा भागवत दोनों ही है। तो भगवान स्वयं भक्त रूप में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वो स्वयं भागवत है और उनकी कृपा से हमें भी श्रीमद् भागवतम सुगम हुआ है। अतएव श्रीमद् भागवतम तक पहुंचने की उनकी विधि विश्व भर के सभी लोगों के लिए व्यवहारणीय है। यह उनकी इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु की कि श्रीमद् भागवत का उपदेश कार्य भारत में जन्मे लोगों के द्वारा विश्व के कोने कोने में किया जाए। भारत भूमि ते हलो मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी करो पौड़ उपकार। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हम भारत के जन्म लिया है तो इतना महान जन्म है, भारत में जन्म पाना इतना आसान नहीं है। देवता लोग भी लाइन लगाकर प्रतीक्षा करते कि हमारा जब पुण्य क्षय होगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, जब पुण्य क्षीण होगा तो हमें मृत्यु लोक पृथ्वी लोक में जाना होगा। तो मृत्यु लोक में जब हम जाएंगे तो हम भारतवर्ष में जन्म लें, हम भागवतम का श्रवण करें, हम भागवतम का प्रचार करें, तो ऐसी इच्छा रखते हैं। तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल गया है तो हमें श्रीमद् भागवतम को हृदयंगम करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है, जिनके विषय में भगवद गीता से प्रारंभिक सूचना मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कोई भी कृष्ण विज्ञान यानी श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता में निपुण हो, वो कृष्ण विज्ञान या प्रामाणिक उपदेशक या शिक्षक हो सकता है। तो जो शिक्षक है वो ओरिजिनल शिक्षक वही है, या जो बेस्ट शिक्षक है उपदेशक है वही है जो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता में निपुण है। तो हम सबको इसमें इसलिए निपुण बनना चाहिए। तो संसार की समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। जैसे कोई दर्द में है, बीमार है, तो हम क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ना, ताकि वो बीमारी ठीक हो जाए, उनकी शुश्रूषा करते हैं, सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आत्मा पीड़ित अवस्था में है, दुखी है, उन सबके लिए श्रीमद् भागवतम है, इसकी आवश्यकता है समस्त मानव समाज के लिए। सारे राष्ट्रों के नेताओं से श्रील प्रभुपाद अनुरोध करते हैं कि वे अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें, श्रीमद् भागवत को जो है ग्रहण करें और स्कूल, महाविद्यालय और हर जगह इसका पठन पाठन शुरू कर दे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। All grace to Srila Prabhupada, all grace to Prabhupada.